नमस्कार, आज अपन बात करते हैं फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हिंदी में फॉस्फेट या फॉस्फोरस गोलक सूक्ष्म जीव। किसान भाइयों, फॉस्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे को ज़रूरत होती है। फॉस्फोरस प्राथमिक पोषक तत्व है जो पौधे की सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। फॉस्फोरस पौधे की बढ़वार एवं विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर फॉस्फोरस की कमी है तो पौधे का प्रॉपर विकास एवं ग्रोथ नहीं हो पाएगा। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस एक मेजर ग्रोथ लिमिटिंग फैक्टर है जो कि प्लांट के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को निर्धारित करता है। फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कोएंजाइम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब हर एक प्रकार से पौधे के जीवन में जो बायोकेमिकल या बायोमोलिक्यूल्स हाइक होते हैं उनका फॉस्फोरस एक मेजर घटक होता है। अगर सीधी भाषा में अपन इसको समझें तो कि फॉस्फोरस के बिना पौधे के जीवन यापन की कल्पना भी अपन नहीं कर सकते हैं, इतना ज़रूरी होता है फॉस्फोरस पौधों के लिए। मॉलिकुलर लेवल से लेकर फिजियोलॉजिकल एवं बायोकेमिकल सभी प्रकार के कार्यों में फॉस्फोरस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेशन, पौधे की जो श्वसन क्रियाएं होती है उसमें, पौधों के जड़ों के निर्माण, फल फूल बनने में सहायक होता है, तने की ग्रोथ में सहायक होता है, मतलब एक प्रकार से फसल के पकने में भी फॉस्फोरस सहायक होता है, मतलब पौधे की क्वालिटी एवं क्वांटिटी भी फॉस्फोरस की ही देन है। किसान भाई खेतों में जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर उपयोग करता है उनमें मुख्यतः होता है DAP, उसके बाद MAP, उसके बाद SSP या NPK फॉर्म में भी फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः DAP का उपयोग किसान भाई फॉस्फोरस फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। किसान भाई हर साल या हर फसल के साथ ही फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फर्टिलाइजर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन ये किसानों के एक गलत धारणा है। किसान भाइयों, आप सुन के ताज्जुब करोगे या आश्चर्यचकित रहोगे कि अगर मैं बोलूं कि अगर 100 साल तक भी किसान अगर अपने खेतों में फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेगा तब भी किसान भाई आसानी से फसल पैदा कर सकता है। किसान भाई DAP या अन्य फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो अपने खेतों में डालते हैं वो सभी फॉस्फोरस खेत में जाने के बाद खेत में उपस्थित मृदा में उपस्थित एल्युमिनियम, कैल्शियम या आयरन जैसे धनायन या कैटायंस के साथ मिलकर इनसोल्युबल फॉस्फेट का निर्माण करते हैं जो कि पौधे को अवेलेबल नहीं हो पाता है। लगभग 75 से 90% फॉस्फोरस मृदा के अंदर जमा हुआ है, ओनली 25 से 30% फॉस्फोरस फर्टिलाइजर ही फसल के काम में आ पाता है। इस तरह अपनी मृदा में फॉस्फोरस फर्टिलाइजर की अधिकता बनी हुई है, बस ज़रूरत है उस फॉस्फोरस को घोल कर फसलों के उपयोग में लाने की। मृदा के अंदर फॉस्फोरस कार्बनिक व अकार्बनिक कंपाउंड्स के रूप में पाया जाता है और जो ये फॉस्फोरस की जो ये फॉर्म होती है ये एक तरह से निष्क्रिय फॉर्म होती है जो पौधों को नहीं मिल पाती है। क्योंकि सभी किसान भाई तो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर अपने खेतों में नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत महंगा है, तो इस तरह से एक इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का एक विकल्प होना बहुत ज़रूरी है और वो विकल्प है फॉस्फोरस गोलक सूक्ष्मजीवी, फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मृदा के अंदर जो अघुलनशील या कंपाउंड्स के रूप में फॉस्फोरस मौजूद हैं उसको घोलने के लिए मृदा के अंदर असंख्य सूक्ष्म जीवों पर मौजूद होते हैं जो इस फॉस्फोरस को
घोलने का काम करते हैं और फसलों को उपलब्ध करवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मृदा के अंदर फॉस्फोरस उपलब्ध है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, तो ये फॉस्फोरस घुल क्यों नहीं पा रहा और पौधों को क्यों नहीं मिलता है। किसान भाइयों, बात ऐसी है कि मृदा के अंदर जो ये अकार्बनिक या कार्बनिक फॉर्म में जो फॉस्फोरस पाया जाता है, ये इसलिए नहीं घुल पा रहा है क्योंकि हो सकता है अपनी मृदा के अंदर इसको घोलने के लिए जो आवश्यक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। क्योंकि किसान भाइयों, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन का होना बहुत ही जरूरी है और इन मृदा में इन सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी के लिए बहुत जरूरी होता है कि मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि मृदा में ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है जो फॉस्फोरस घोलने का काम करते हैं। उनमें है, सबसे पहले तो हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, बेसिलस, स्यूडोमोनास, राइजोबियम या और भी अन्य जातियां जो बैक्टीरिया की होती है, जीवाणु की होती है, फॉस्फोरस घोलने का काम करती है। फंगस में या कवक में अपन देखें तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एक्टिनोमाइसिटीज या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे साइनोबैक्टीरिया और माइकोराइजा, आर्बिस्कुलर माइकोराइजल फंगाई, ऐसे बहुत सारे, ट्राइकोडर्मा हो गया, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव मृदा के अंदर मौजूद हैं जो फॉस्फोरस को घोलने का काम करते हैं। किसान भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ मृदा या उपजाऊ मृदा में 10^1 से लगाकर 10^10 10^1 से लेकर 10^10 तक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 ग्राम मृदा के अंदर पाए जाते हैं। अगर अपन इसका इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के बाहर के हिसाब से बात करें तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2000 किलो ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो फॉस्फोरस को घोलने का काम करते हैं, जो अपनी मृदा के उपजाऊपन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। किसान भाइयों, अपनी मृदा में जो बहुत ही जमा हुआ फॉस्फोरस जमा हुआ है, इसको फसलों के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, इसके लिए सूक्ष्म जीवी फॉस्फोरस घोलक सूक्ष्म जीवी का होना बहुत जरूरी है। और ये मृदा में कब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे, जब अपन उस मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाएंगे, उनको खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाएंगे, तब जाके ऐसे सूक्ष्म जीवों की अपनी मृदा में संख्या बढ़ेगी। आइए जानते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी कैसे अघुलनशील, जो नॉन अवेलेबल फॉर्म है फॉस्फोरस की, उसको कैसे अवेलेबल फॉर्म में लाया जाता है, जो पौधों को प्राप्त होती है उस फॉर्म में कैसे बदला जाता है। किसान भाइयों, 3 प्रकार के मैकेनिज्म क्रियाएं होती है जिससे ये अघुलनशील इनसोल्यूबल फॉस्फोरस सोल्यूबल फॉर्म में आता है। जो ये क्रियाएं हैं, इसके लिए, इन क्रियाओं के लिए ये सूक्ष्म जीवी बहुत ही जरूरी है। ये 3 क्रियाएं इस प्रकार है। पहले नंबर की है, जो सोइल का पीएच होता है उसको कम करके। दूसरी क्रिया है चिलेशन, और तीसरी क्रिया है मिनरलाइजेशन। आइए जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीवी कैसे मृदा के पीएच को कम करके इनसोल्युबल फॉस्फोरस को सोल्युबल फॉस्फोरस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसान भाइयों, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, फॉस्फोरस घोलक सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड या हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन जिसको बोलते हैं, ये मृदा में सीक्रेट करते हैं, मृदा में स्त्रावित करते हैं, जिससे मृदा का पीएच कम हो जाता है। जैसे ही मृदा का पीएच अल्कलाइन कंडीशन से एसिडिक कंडीशन में आता है, तो जो ये कैल्शियम फॉस्फेट, आयरन फॉस्फेट, फेरस फॉस्फेट, एल्युमिनियम फॉस्फेट, जो इनसोल्यूबल फॉर्म्स होती है फॉस्फेट की, ये ऑटोमेटिकली सोल्यूबल फॉर्म्स में आ जाती है और पौधों को अवेलेबल होने लगती है। आइए जानते हैं दूसरे प्रकार के मैकेनिज्म के बारे में, जो है चिलेशन, एक तरह से बाइंडिंग। किसान भाइयों, मृदा के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड मृदा के अंदर स्त्रावित करते हैं, और जो ये एसिड्स सीक्रेट होते हैं, ये मृदा के अंदर मौजूद धनायन्स, कैटायन्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया,
उसके साथ ये एसिड बाइंड हो जाते हैं, फलस्वरूप जो इनसोल्युबल फॉर्म्स होती है फॉस्फोरस की वो फॉर्म्स नहीं बन पाती है, और जिससे फॉस्फोरस फ्री रहता है, फॉस्फेट आयन्स फ्री रहते हैं जो कि पौधों को अवेलेबल हो पाते हैं। तीसरे प्रकार की जो प्रक्रिया है वो है मिनरलाइजेशन। किसान भाइयों, मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन एक प्रकार की बहुत ही ऐसी अच्छी क्रियाएं हैं एग्रीकल्चर लैंड या मृदा के लिए, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस होता है जो पौधों को नहीं मिल पाता। इस मिनरलाइजेशन प्रक्रिया के अंदर ऑर्गेनिक फॉस्फोरस यूटिलाइजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए बहुत बहुत ही प्रकार के एंजाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मृदा में सीक्रेट करते हैं, उससे ये ऑर्गेनिक फॉस्फोरस यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही प्रकार के एंजाइम जो फंगस सीक्रेट करती है, जैसे कि ये फॉस्फेटेजेस लाइक फाइटेज एंजाइम, फाइटेज हाइड्रोलेजेस, फॉस्फोएस्टरेज, फॉस्फोडाइएस्टरेज, फाइटेज, फॉस्फोलाइपेज आदि ऐसे एंजाइम हैं जो मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया को में अहम भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे पौधों की बढ़वार बढ़ाते हैं, कैसे पौधों का उत्पादन बढ़ाते हैं, जानते हैं कैसे। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पौधे की फॉस्फोरस एक्वाजिशन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, मतलब फॉस्फोरस अपटेक की एफिशिएंसी को पौधे की को बढ़ा देते हैं। इनको कैसे उपयोग कर सकते हैं अपन किसान भाइयों, इनको फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन बीज उपचार करके या डायरेक्ट मृदा में ऑर्गेनिक पदार्थ या सड़े गले गोबर खाद के साथ मिला के भी अपन पौधों में अप्लाई या मृदा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, जो सोल्युबलाइजेशन की प्रक्रिया होती है मृदा में उसको ये बढ़ा देते हैं, मतलब जो फिक्स्ड फास्फेट होता है, जमा हुआ फॉस्फोरस है मृदा के अंदर, उसको ये घोलने का काम करते हैं फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एब्जॉर्ब फॉस्फोरस अराउंड रूट सिस्टम, जो पौधे का राइजोस्फीयर होता है, रूट सिस्टम होता है, उसके अंदर उसके पास में फॉस्फोरस होता है, उसको एब्जॉर्ब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं, और स्लोली स्लोली जब पौधे को जरूरत पड़ती है उस पौधे को रिलीज करते रहते हैं। जेनरेट फाइटो हार्मोन्स, जैसे पादप हार्मोन होते हैं जैसे ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, या पॉलीअमाइंस होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, पौधे के विकास को प्रमोट करते हैं। ऐसे एंजाइम्स भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे हार्मोन भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट करते हैं। साथ ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी भी पौधों को बढ़ाते हैं। साथ ही ये सूक्ष्म जीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रियाएं भी बढ़ाते हैं, जिससे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी पौधों को हो पाती है। साथ ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा के अंदर, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मृदा जनित रोगों से भी पौधे को बचाते हैं, मतलब जो मृदा के अंदर जो रोग कारक होते हैं उनको मारने का काम भी ये बेनिफिशियल फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो से बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव मृदा के अंदर मौजूद होते हैं ये मृदा जनित रोग कारकों को भी मारने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, फॉस्फोरस घोलक सूक्ष्म जीव या फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके अपन अपना आर्थिक स्तर तो सुधार ही सकते हैं, साथ ही अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इस पर्यावरण को बचाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके अपन आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ मृदा, उपजाऊ मृदा दे सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी अपना गुणगान कर सके। नमस्कार।